सारा कुछ टूरिस्ट पे ही निर्भर करता है। और टूरिस्ट भी ऐसे नहीं छोटी मात्रा में नहीं आते, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन, यूरोपियन, अदर कंट्री के यहाँ पे आते हैं, इसीलिए चीज़ों के दाम स्काई रॉकेटिंग पे है, मतलब महंगी हद महंगा है। भी ऐसे ही मैं दोस्तों गलियों में घूम रहा हूँ, कहीं जहाँ भी रैंडमली मुड़ रही हैं उस तरफ को मुड़ जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं चर्च में आया हूँ एक, और कितना ही ब्यूटीफुल है, अंदर से कुछ कहने की बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये चर्च के सामने से कितना अच्छा लग रहा है, तो पहाड़ दूर दूर, दोस्तों जो चर्च दूर से दिख रहा था उसके नज़दीक आ गया मैं। यहाँ लोग यहाँ टूरिस्ट आके फोटो ले रहे हैं, ग्रीक फ्लैग और चर्च। तो दोस्तों अभी मैं एक सुपरमार्केट में गया था, थोड़ा सा सामान लिया, और ये प्रोटीन मिल्क मैं यूएस में पीता था और यहाँ पे नहीं मिल रहा था, बट आज मिल गया। तो आज तो दोस्तों मार्केट तो बहुत बड़ी है, पर इस समय सब क्लोज है, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस समय 3 से लेके 5 के बीच में ये लोग, मतलब इनका चिल मोड का समय होता है। नमस्कार लवली पीपल, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज भी मैं ग्रीस में हूँ, तो मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैं ग्रीस में था, तो आज भी मैं ग्रीस में, ग्रीस की दूसरी सिटी में, सेरेस सिटी का नाम है। और मेरे सामने इतना मस्त व्यू आ रहा है, कुछ कहने की बात नहीं है। और मैंने एक शिप के ऊपर डेक से भी एक वीडियो बनाया था, तो वो मैं साथ में अभी चल रहा होगा ऊपर। सो आज हम सेरेस ग्रीस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं सुबह रनिंग करके आ गया हूँ, इसीलिए आप मेरे को फॉर्मल में देख रहे हैं। तो सुबह मैंने आधा एक घंटा रनिंग कर लिया, सब एक्सरसाइज कंप्लीट करके, तो अभी बस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और बड़ा ही ब्यूटीफुल सिटी है, मैंने आते हुए जब दौड़ने गया था तब देखा था, तो बहुत अच्छा लगा। सो आज हम इसको, सेरेस को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसी है ये सिटी। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रीट देखिए, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो छोटा सा होगा, मगर उसका जो एक किचन ही की तरह होता है, और बाकी जो डाइनिंग एरिया बहुत, तो ये देखिए यहाँ एकदम सी, और इमेजिन करिए आप, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अपना मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हैं, कितना प्राइसलेस व्यू होगा। एक चीज़ है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट दैट्स लाइक लग्जरी एक्सपेंसिव में ही आती है। और ये देखिए एक स्टैचू बनाया है इधर, चौक सा है, सो इसको देखते हैं। और बीच में बड़ी अच्छी मार्केट है, सो इस साइड चलते हैं। ये देखिए कुछ और भी है इधर, ये देखिए किसी एंजल का स्टैचू है। और अभी मैं इस साइड जा रहा हूँ, इधर मेरे को कुछ अच्छा दिखा तो उसको देखता हूँ। एक बिल्डिंग सी है कोई, और ऊपर आप देखिए किसके, एक और बहुत ऊपर से चर्च है, बड़ा अच्छा लग रहा है। दूर से जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा था, बट इतनी दूर तो शायद नहीं जाऊंगा। स्टूडेंट मतलब इनकी ज़िंदगी पूरी निर्भर करती है टूरिज्म पे, यहाँ के जितने भी लोग हैं तो टूरिज्म पे सारा इनका वो चलता है। जहाँ भी देखिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट, रोड के बीच में इन्होंने टेबल्स लगा के, एंड देन देखिए स्टैचू बना हुआ है। मुझे थोड़े यार परफ्यूम लेने हैं, तो इसलिए मैं कुछ सुपरमार्केट या कुछ वो कल गलती कर दी, कल याद नहीं रहा जब वहाँ पिछली वीडियो में एलडी उसमें गया था तब ले लेता। सो ये पता नहीं क्या है, इंग्लिश में ज़रा भी नहीं लिखा है सब कुछ, स्टैचू लगे। और ये कोई मतलब लाइब्रेरी या लाइब्रेरी कुछ है, मतलब कि अच्छा गवर्नमेंट बिल्डिंग ही लग रही है ये देखिए। और शाम के समय इधर जो भीड़ होती होगी कुछ कहने की बात नहीं, मतलब ये देखिए यहाँ भी रेस्टोरेंट है, नीचे वाले फ्लोर पे रेस्टोरेंट बनाया इन्होंने, सो इस एरिया को भी ऑक्यूपाई किया एज ए रेस्टोरेंट।
रखा है। रोड भी देखिए कि किस तरह के, ये मतलब कि टाइल्स ही लगी हैं, पट्टे ब्लॉक्स बना बना के टाइल्स की इसका रोड बनाया। तो जब मैं मतलब सिटी में सुबह दौड़ रहा था तो मेरे को लग रहा था कि ये स्लिपरी हो रहा है, मेरे पैर स्लिप कर रहे थे। तो ये और ये देखिए जो मैं अभी आपको दिखाया था। तो दोस्तों मार्केट तो बहुत बड़ी है पर इस समय सब क्लोज है, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस समय 3 से लेके 5 के बीच में ये लोग मतलब इनका चिल मोड का समय होता है, ये रिलैक्स करते हैं और ये मतलब कि पूरा अपना रेस्ट का समय लेते हैं पूरा। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी तरह कभी जब इनका मन में मतलब सुबह 7 से लेके 12 बजे तक। और ये देखिए ये दोस्तों अभी मैं एक सुपरमार्केट में गया था, थोड़ा सा सामान लिया और ये प्रोटीन मिल्क मैं यूएस में पीता था और यहाँ पे नहीं मिल रहा था, बट यहाँ आज मिल गया, तो आज मैंने ये भी ले लिया। बड़ा अच्छा मतलब इसका हाई प्रोटीन मिल्क है, इसमें कुछ एडिशनल उन्होंने ऐड किया होता है। तो अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ सिटी की, और जो मैंने आपको चर्च दिखाया था दूर से उसके तकरीबन नज़दीक ही, उसके पास तो नहीं पहुँचा बट अभी भी बहुत दूर है, बट और हर जगह जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट मिल रहे हैं। किसी ने अपने घर के बाहर ही 2-4 कुर्सियाँ लगा के एंड देन दे कुक इनसाइड एंड सेल। सो मतलब कि इन पे पूरे के पूरे टूरिस्ट इन पे निर्भर है। सो देखिए अभी शायद और जाने की कोशिश करता हूँ ऊपर। ये देखिए ये भी, ये पूरा मतलब कि इस समय तो खाली है बट इन रात के समय शाम के जो भी टूरिस्ट आए होंगे वो खाना पीना खाने के लिए इधर आते हैं। तो बड़ा ही अच्छी सिटी लगी मेरे को, बहुत ब्यूटीफुल है नो डाउट इसमें। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग है, लकड़ी के दरवाजे पुराने। अभी दोस्तों एक और जगह पे ऊपर आया हूँ जहाँ एक चर्च है सामने, और ये देखिए कितने मतलब पूरे शहर में इन्होंने इसी तरह से ये बनाई है, जो भी सड़कें या बिल्डिंग है इसी तरह से ब्लॉक्स। और ये देखिए यहाँ क्या मस्त व्यू है, तो जिनके घर होंगे सीधा सुबह दरवाज़ा खोलते समुद्र की सैर। दोस्तों जो चर्च दूर से दिख रहा था उसके नज़दीक आ गया हूँ मैं, यहाँ लोग यहाँ टूरिस्ट आके फ़ोटो ले रहे हैं ग्रीक फ्लैग और चर्च। तो बड़े धार्मिक लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि बहुत सारे चर्च मैंने देखे हैं। और ये देखिए वो जो मैं बता रहा था वो काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ तो मुश्किल ही होगा पहुँचना। वैसे टाइम तो है अगर जाना चाहूँ तो, बट नहीं, रात को ड्यूटी भी है और आज मेरी ड्यूटी में डिपार्चर है, तो स्टेयरिंग भी मुझे ही करनी है। देखिए क्या मस्त बिल्डिंग है। बड़ी अभी समुद्र के सामने आ गए तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब दिल को एकदम सुकून मिलने वाली है। यहाँ पे बीच है या ये देखिए लोग आए हैं इधर नीचे जाके अपना स्विमिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो जिनके घर होंगे उनका घर से तो सुबह सुबह उठ के कितना अच्छा मौसम व्यू आता होगा। ये देखिए वो जो मैंने आपको पहले भी वीडियो शिप से बनाई थी उसमें दिखाई दे रहा था ये बिल्डिंग, वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है कि। सो यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि कितना अच्छा मतलब व्यू आता होगा, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं
और वहाँ भी रेस्टोरेंट है देखिए सी शोर पे। सो ये देखिए देखिए कितने अच्छे, कहाँ कहाँ लोगों के घर है, मतलब सारा कुछ टूरिस्ट पे ही निर्भर करता है। और टूरिस्ट भी ऐसे नहीं छोटी मात्रा में नहीं आते, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन यूरोपियन अदर कंट्री के यहाँ पे आते हैं, इसीलिए चीज़ों के दाम स्काई रॉकेटिंग पे है, मतलब महंगी हद महंगा है। ये देखिए दोस्तों ये चर्च के सामने से कितना अच्छा लग रहा है, तो पहाड़ दूर दूर। दोस्तों अभी मैं चर्च में आया हूँ एक, और कितना ही ब्यूटीफुल है अंदर से कुछ कहने की बात नहीं। ये देखिए ऊपर में दोस्तों मैं इस चर्च के अंदर गया था और आपने वीडियो देखी उसकी, तो कितना ब्यूटीफुल था, प्राइसलेस व्यू था कि ऐसा आप व्यू मतलब मिलियन डॉलर खर्च के भी कहीं नहीं देख पाओगे। सो बड़ा ही प्राइसलेस व्यू था यार। तो दोस्तों अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ सिटी की तरफ ऊपर से, और बड़ा ही मस्त शहर लगा मेरे को। ये देखिए टूरिस्ट घूम रहे हैं सारे बेचारे अपने, गर्मी बहुत है बट फिर भी समुद्र के किनारे, तो आप नहाइए और इन्जॉय करिए, जस्ट गो बाय द फ्लो। देखिए जो चर्च के अंदर अभी गया था मैं, कितना भी ऐसे ही मैं दोस्तों गलियों में घूम रहा हूँ, कहीं जहाँ भी रैंडमली मुड़ रही हैं उस तरफ को मुड़ जा रहा हूँ। ये देखिए गाना, मतलब किसी ने पूरी शिद्दत और पूरी रेंज के साथ बनाया है इसको, मतलब कि कुछ कमी नहीं छोड़ी है उसने। ये देखिए यहाँ स्कूटर भी चलते हैं, तो इंडिया में तो अभी बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे देखें कोई यूरोप में मिल जाएंगे। मैंने एक इटली की वीडियो, इटली या स्पेन की वीडियो में भी बताया दिखाया था स्कूटर। सो ये देखिए यहाँ भी पहाड़ी है ये, मगर यहाँ भी इन्होंने पाम ट्रीज लगाए हैं। देखिए बड़ा अच्छा, मतलब कहीं भी बीच में घूमता जा रहा हूँ मैं सिटीज में। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, यहाँ होने चाहिए 4-5 दिन और आप घूमते रहे, सिर्फ इसी सिटी में आइए। दोस्तों अभी फिर से मैं घूम घुमा के उसी मार्केट की तरफ आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी। सो इट्स अ राइट टाइम टू रैप दिस वीडियो। सो इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, रब रखा।